हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको तंदूर की तीनों मैरिनेशन बनाना सिखाऊंगा, रेड मैरिनेशन, येलो मैरिनेशन और वाइट मैरिनेशन। अगर आपने ये तीनों मैरिनेशन बनाना सीख ली तो आप तंदूर का कोई भी स्नैक्स आसानी से रोस्ट कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, जैसे कि तंदूरी चिकन, चिकन लहसुनी टिक्का, पनीर टिक्का, पनीर मलाई टिक्का, बादामी टिक्का, जैसे सारे स्नैक्स आप इन्हीं तीनों मैरिनेशन से बना सकते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड और नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को आपने बिना स्किप किए देखना है। और लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने आपको कलर बनाना बताए थे और भुना बेसन, उनका यूज़ करना भी बताऊंगा कि इनका यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले रेड मैरिनेशन बनाएंगे। कोई भी एक बड़ा सा बाउल या बड़ा सा बर्तन ले लें और उसमें सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है और उसके अंदर हम डालेंगे देगी मिर्च पाउडर। तो 2 छोटे चम्मच इसमें देगी मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप देगी मिर्च पाउडर की जगह कश्मीरी मिर्च पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ऑयल और देगी मिर्च को हमने अच्छे से मिला लेना है। पहले मैं यहाँ बिस्कर का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको हाथों से भी मिला सकते हैं। तो ये देखिए, देगी मिर्च पाउडर और ऑयल को मैंने अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लिया है। आपने भी ऐसे पहले इसको मिक्स कर लेना है, तभी मैरिनेशन में अच्छा कलर आता है। अब हमने इसमें हैंग कर्ड ऐड करना है। अगर आप 1 किलो दही को 5 से 6 घंटे तक कपड़े में बांध के लटका के रखते हैं तो उसमें 300 से 400 ग्राम हैंग कर्ड निकलता है। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच हैंग कर्ड के डाले हैं। फिर हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। 1/2 छोटा चम्मच मैंने सॉल्ट डाला है। 1/2 छोटा चम्मच इसमें जीरा पाउडर डालेंगे। सिंपल जीरा पाउडर है, रोस्ट किया हुआ नहीं है। यहाँ पे गरम मसाला पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। 1/2 छोटा चम्मच इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे। ब्लैक सॉल्ट डालेंगे इसमें। ब्लैक सॉल्ट से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इस मैरिनेशन में। थोड़ा सा रोस्ट किया कसूरी मेथी डालेंगे इसमें और 1 चम्मच डालेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। और ये है वो रेड कलर जो हमने देगी मिर्च पाउडर और ऑयल से बनाया था, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बनाना भी सिखाया है। अगर आपको ये बनाना नहीं आता है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच यहाँ पे ऑयल के ऐड किए हैं और इसके साथ ही हम भुना हुआ बेसन डालेंगे इसमें। भुना हुआ बेसन डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी स्नैक्स के ऊपर अच्छी इसकी कोटिंग रहती है। तो ये देखिए, बस आपने ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करने हैं। अब हमने इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तब तक मिलाना है जब तक ये मिक्सचर पूरा क्रीमी ना हो जाए। इसमें हैंग कर्ड के लम्स नहीं बचने चाहिए। आप चाहें तो इसको बिस्कर से भी मिला सकते हैं, बट हाथों से ना दही के लम्स रहते हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो ये देखिए, कम से कम इसको मिक्स करने में 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। तो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा हमारा जो मिक्सचर एकदम स्मूथ हो चुका है। हैंग कर्ड के जो लम्स है वो पूरी तरह से इसमें खत्म हो चुके हैं और आप कलर देख सकते हैं, मैरिनेशन का जो कलर है बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आ चुका है। तो ये हमारा रेड मैरिनेशन बनके तैयार हो चुका है। अभी हम येलो मैरिनेशन बनाएंगे। तो फिर से एक कंटेनर लेंगे और उसमें 3 बड़े चम्मच हैंग कर्ड ऐड करेंगे। वेट में ये हैंग कर्ड लगभग 200 ग्राम होगा, मतलब 700 ग्राम दही का हैंग कर्ड है ये। और इसमें 1 छोटा चम्मच डालेंगे सॉल्ट, साथ में इसमें भुना हुआ बेसन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भुना हुआ बेसन डाला है और साथ में इसमें भुने हुए बेसन में जो ऑयल रहता है वो भी ऐड करेंगे। तो ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बनाना सिखाया था, आप देख लीजिएगा कि कैसे बनाते हैं। 1/2 छोटा चम्मच इसमें ब्लैक सॉल्ट डालेंगे। 1/2 छोटा चम्मच इसमें जीरा पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसमें गर्म मसाला पाउडर ऐड करेंगे और 1 छोटा चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और ये है वो येलो कलर जिसे हम हल्दी पाउडर ऑयल को मिला के बनाते हैं। ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। इससे मैरिनेशन में बहुत ही बढ़िया कलर आता है और हम लोग कलर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं मैरिनेशन बनाने के लिए, और आपको भी नहीं करना चाहिए। आप अपने कलर बनाइए, अच्छा कलर आता है। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे चम्मच इसके भर के डाले यहाँ पर। अगर आपको लगे कि मैरिनेशन में जो कलर है वो थोड़ा कम आ रहा है तो आप इसके 3 चम्मच भर के भी डाल सकते हैं। फिर हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी को आपने हल्का सा रोस्ट करके क्रश करके ही डालना है इसमें। अब हमने इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेना है। अभी हम इसमें येलो चिली पाउडर भी ऐड करेंगे, बट इनको पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसका भी एकदम आपने क्रीमी मिक्सचर बना लेना है। मैरिनेशन में हैंग कर्ड के लम्स नहीं बचने चाहिए, नहीं तो वो मैरिनेशन अच्छी नहीं बनती है। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने इसको मिला लिया है यहाँ पे। तो 1 छोटा चम्मच हमने इसमें येलो चिली पाउडर ऐड करना है। अगर आपके पास येलो चिली पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह ग्रीन चिली पेस्ट भी डाल सकते हैं, बट ये इस मैरिनेशन का मेन इंग्रेडिएंट्स होता है। येलो चिली पाउडर से इस मैरिनेशन में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो इसको भी अच्छे से हमने मिला लेना है। तो ये देखिए, ये हमारी येलो मैरिनेशन बन के भी तैयार हो चुकी है। आपने भी ये मैरिनेशन ऐसे ही बनानी है।
अब हम वाइट मैरिनेशन बनाएंगे। वाइट मैरिनेशन बनाना बहुत ही आसान होती है। एक बाउल लेंगे और उसमें 3 छोटे चम्मच भर के हैंकर्ड ऐड करेंगे, साथ में इसमें काजू पेस्ट डालेंगे। तो 3 छोटे चम्मच ही हमने काजू पेस्ट डालने हैं। जब भी आपने काजू पेस्ट बनाना हो इसके लिए, तो काजुओं को आप गर्म पानी में भिगो के रख दीजिए और उसका आपने एकदम थिक पेस्ट बनाना है। पानी का यूज आपने बिल्कुल कम करना है। 1/2 छोटा चम्मच इसमें सॉल्ट डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा इसमें व्हाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे और ये मैंने 1 छोटा चम्मच इसमें ग्रीन चिली पेस्ट ऐड की है। जब भी आप ग्रीन चिली पेस्ट बनाएं तो उसका दरदरा पेस्ट बनाएं, एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है आपने। फिर एक ग्राइंडर का जार लेंगे और उसमें 2 छोटे चम्मच भर के क्रीम ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं अमूल क्रीम का यूज़ कर रहा हूँ और साथ में इसमें अमूल चीज़ ऐड करेंगे। तो लगभग 2 चम्मच ही मैंने भर के इसमें अमूल चीज़ के डाले हैं। चीज़ आपने कभी भी मैरिनेशन में डाली हो, या तो इसको आप काजू के साथ ग्राइंड कर लें या फिर आप इसको क्रीम के साथ ग्राइंड करके डालें। अगर आप डायरेक्टली चीज़ को मैरिनेशन में डालेंगे तो आपको काफ़ी देर तक वेट करनी पड़ेगी, काफ़ी देर तक आपको मैरिनेशन मिक्स करनी पड़ेगी। तो ये देखिए, मैंने क्रीम और चीज़ को अच्छे से यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है। अब हमने क्रीम और चीज़ के पेस्ट को भी मैरिनेशन में ऐड कर देना है। क्रीम से बहुत ही बढ़िया वाइटनेस आती है और चीज़ से अच्छी बाइंडिंग आती है स्नैक्स के ऊपर, तो हम इसमें क्रीम और चीज़ का यूज़ करते हैं। 2 से 3 चम्मच इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पे हम मस्टर्ड ऑयल का यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि वाइट मैरिनेशन है, इसका जो कलर है वो वाइट ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल ऐड किया इसमें 3 छोटे चम्मच। अब इस मैरिनेशन को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिला लीजिए जब तक दही के जो लम्स हैं वो खत्म ना हो जाएं। तो ये देखिए, ये हमारी वाइट मैरिनेशन बनके तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैंने आपको 3-3 रेसिपीज बताई है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते अगली नए वीडियो के साथ। थैंक यू।